हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इग्नू बीएड के बारे में। और बहुत दिनों से आप लोगों के द्वारा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि इग्नू में बीएड के फॉर्म कब आएंगे। तो मैं अक्सर इसका जवाब यही लिखता था कि जनरली जून महीने में इग्नू बीएड के फॉर्म आते हैं, जुलाई में एंट्रेंस होता है। और देखिए, जून महीना आया, पहला सप्ताह है और ये इग्नू की साइट पे आप देख पा रहे होंगे बीएड प्रॉस्पेक्टस फॉर जनवरी 2020, यानी कि अगले साल के लिए बीएड के प्रॉस्पेक्टस आ गए हैं। बीएड का नोटिफिकेशन आ गया है, इग्नू बीएड का नोटिफिकेशन इग्नू की साइट पे अपलोड हो चुका है। और पिछली वर्ष की तरह इस बार भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, एंट्रेंस के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और ऑफलाइन अभी इग्नू ने अपना ई प्रॉस्पेक्टस अपलोड कर दिया है, जिसके माध्यम से लोगों को ये पता चल सके कि इग्नू बीएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी फीस है, कब एंट्रेंस होगा। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इग्नू बीएड के बारे में, वो इग्नू की वेबसाइट पर आज 5 जून को अपलोड हो गई है। और हमने भी इस इन्फॉर्मेशन को अपलोड डाउनलोड करके देखा है। तो चलिए उस फाइल की तरफ चलते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और इस पूरे वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इग्नू बीएड के बारे में कंप्लीट डिटेल पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो एक बार फिर से आप सबको बता दूँ कि जो इग्नू का बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म है, वो इग्नू की साइट पे अपलोड हो चुका है। 2020 के लिए बीएड के एंट्रेंस जुलाई महीने में होने जा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और जैसा कि पिछली बार था, एलिजिबिलिटी लगभग वही है, कोई चेंज नहीं है। ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म भरे जाएंगे, अखिल भारतीय स्तर पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई का कर जाते हैं, तो फिर फाइनली काउंसलिंग होगी और फिर आपको बीएड में एडमिशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपको ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म भरना होगा, और अभी हमने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाए थे किस तरह से ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म भरना होता है। और अभी जैसे ही लिंक चालू हो जाता है, मैं अगेन आपको बताऊँगा। और जो ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस का, वो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होते हैं इसके, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ₹150 पर पेपर एग्जामिनेशन फीस होती है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के हाल टिकट्स आते हैं इग्नू की साइट्स पे, क्योंकि ये जुलाई में इस बार एंट्रेंस होने जा रहे हैं, तो आपके हाल टिकट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लगभग एक हफ्ते पहले आ जाते हैं। तो देखिए, बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ऑलरेडी इस फाइल में उपलब्ध है, आप वहां से देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जो इग्नू का बीएड का प्रोग्राम है, ये स्कूल ऑफ एजुकेशन देखता है, इसको रन करता है। और स्कूल ऑफ एजुकेशन के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, उनकी लिस्ट इस प्रॉस्पेक्टस में मौजूद है। यह इग्नू पीएचडी भी कराता है एजुकेशन में, एमए एजुकेशन है, बीएड है, पीजीडीएसई है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे है, PGDT एक प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो स्कूल ऑफ एजुकेशन देखता है, और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड प्रोग्राम। तो यहाँ पे बीएड प्रोग्राम से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऑब्जेक्टिव्स है। जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, जो इग्नू का बीएड है ये 2 साल का होता है, हालांकि आपको इसको कंप्लीट करने के लिए टोटल 5 साल का समय मिलता है। और ये प्रोग्राम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। एलिजिबिलिटी, तो जहां तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या अगर आपके जो मार्क्स 50% नहीं है अगर ग्रेजुएशन में, तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमनिटी, और फिर इस डिग्री में यानी कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि वही लोग इग्नू से बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं जो ट्रेंड इन सर्विस टीचर हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, और जिन्होंने एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में कर रखा है।
तो ये आप देख लीजिए। और जहाँ तक इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, तो उसमें एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिजर्वेशन है, यानी कि जो ग्रेजुएशन में 50% है वो 45% इन रिज़र्व कैटेगरी के लिए कंसीडर किया जाएगा। बाकी इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो ये आपका जो प्रोग्राम, आपने जो लोग बीएड के लिए अप्लाई करते हैं उनको ये इंश्योर करना है कि उन्होंने जो जो डिज़ायर्ड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो रेगुलर मोड से किया हो, फेस टू फेस मोड से किया हो। अगर किसी ने ODL मोड से कर रखा है तो वह इग्नू के बीएड के लिए मान्य नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपने रेगुलर मोड से ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूरे किए हों। तो ये ऑलरेडी इसमें प्रोस्पेक्टस में भी इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है, द ट्रेंड टीचर मीन्स ए पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड NCT रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग फॉर्म भर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमें पता नहीं था इसलिए हमने ऐसा कर लिया, लेकिन फिर काउंसलिंग के समय आप कंसीडर नहीं होंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो एंट्रेंस टेस्ट है इसकी जो टेंटेटिव डेट है ये है 27 जुलाई 2019 को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे और इग्नू की साइट पे ये उपलब्ध होंगे, इनके हॉल टिकट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके हॉल टिकट्स एक हफ्ते पहले इग्नू की साइट पे उपलब्ध होंगे। वहाँ से आप हॉल टिकट डाउनलोड करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा जो बीएड की फ़ीस के बारे में इंफॉर्मेशन है सबसे इम्पोर्टेंट, तो गाइज हम बात कर रहे थे इग्नू बीएड की फ़ीस के बारे में, तो जिस प्रोग्राम की कंप्लीट फ़ीस है वो है 50,000 रुपये, 2 सालों के प्रोग्राम की कंप्लीट फ़ीस। तो मैंने आपको एंट्रेंस की डेट बता दी, 27 जुलाई 2019 को होगा, फीस है इसकी 50,000 रुपये। एंट्रेंस का जो फॉर्म भरना है ऑनलाइन भरना है, इग्नू की साइट पे ऑनलाइन लिंक मौजूद है और जल्दी ही आप इसको चेक करिएगा। अभी आज नहीं चल रहा, शायद कल से ये लिंक प्रारंभ हो जाएगा और आप उसमें जा करके उस साइट पे जा करके वहाँ से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये पूरी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप जाएंगे तो आपको बीएड का लिंक मिलेगा। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ, एक्चुअली में पिछले साल का है इसलिए अभी ये एक्टिव नहीं है, लास्ट ईयर का लिंक अभी यहाँ पे मौजूद है और जल्दी ही ये आज कल में चालू हो जाएगा और फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये अभी लास्ट ईयर का लिंक है, तो इसके बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे, वीडियो बना के आपको बताएंगे, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य था वो ये बताना था कि इग्नू बीएड के फॉर्म निकल चुके हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 27 जुलाई को होना है, ऑनलाइन एंट्रेंस का फॉर्म भरना है और इसके बाद जब आप एंट्रेंस पास कर लेंगे तो फिर काउंसलिंग होगी और फिर फाइनली आपका इग्नू बीएड के लिए एडमिशन होगा 2020 जनवरी सेशन के लिए। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इग्नू के बारे में, इग्नू बीएड के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन तत्काल मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।